कर सकते हैं, जैसे आपने मलयालम की बात की, मराठी की बात, तो रीवा में आने वाले समय में, आने वाले सत्रों में बघेली में पत्रकारिता? देखिए, अगर बघेली पत्रकारिता का अगर यहाँ विकल्प है, अगर यहाँ YouTube चैनल, TV चैनल, अखबार ऐसा चलता है और हमारे उन बच्चों को अगर अवसर मिलेगा उधर, तो ज़रूर हम तैयार करेंगे। लेकिन इसका हम अध्ययन पहले करेंगे कि कितना गुंजाइश है, ये हम अध्ययन करेंगे। अगर उनको गुंजाइश क्या है कि हम बच्चों को तैयार करें लेकिन उनके पास अवसर नहीं है, तब वो भी अन्याय है। हम पहले आइडेंटिफाई, हमने यही आइडेंटिफाई किया कि देश भर में हम सिर्फ बघेली पत्रकारिता में उन बच्चों को इसी बघेलखंड में ही जो है अवसर मिलेगा, जबकि ग्रामीण पत्रकारिता का छात्र देश भर में कहीं भी जा सकता है। तो हम पहले अवसर देखेंगे कि अवसर उपलब्ध है तो क्यों नहीं, हम जरूर तैयार करेंगे, शुरू कर सकते हैं। लैंग्वेज क्षेत्रीय रखेंगे आप? दोनों, हिंदी और क्षेत्रीय। कार्यक्रम तो समुदाय को ही तैयार करना है। तो अभी देखिए, मुझे याद है मैं जब IMC में था तो वहाँ हमारा एक रेडियो स्टेशन था, अपना रेडियो, और उस समुदाय में वहाँ एक लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ भी था। तो वहाँ के विद्यार्थी मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि सर हम सप्ताह में 1 घंटे का प्रोग्राम संस्कृत में करना चाहते हैं। मैंने कहा करो, आपका स्टेशन है ये इस क्षेत्र में जितने निवासी हैं उनका स्टेशन है, तो अगर आपको, अगर बघेली में अगर यहाँ के लोग तैयार हैं लोकगीत और बाकी कार्यक्रम कराने के लिए, तो हमें तो खुशी होगी वो इधर आके जो है। तो इसलिए हमें भाषा को लेकर, तो देखिए सब भाषाएँ हमारी अपनी भाषाएँ हैं, तो वो आके जो है यहाँ की भाषा में, स्थानीय भाषा में, और जो स्थानीय भाषा है उसको, दोनों को महत्व मिलेगा। ग्रामीण पत्रकारिता आपका एक ग्रीन प्रोजेक्ट समझ में आता है जी, लेकिन नीलेश मिश्रा के गांव कनेक्शन जैसे कुछ चुनिंदा ऐसे संस्थान हैं जो ग्रामीण पत्रकारिता के लिए समर्पित है, तो ऐसे में जो छात्र बाहर निकलेंगे तो रोजगार सृजन में उनको कौन सी समस्याएं या क्या संभावनाएं आपकी? देखिए, मैं ग्रामीण पत्रकारिता का मैंने जब बात किया तो मैंने आपसे ये भी कहा कि हम उनको संचार विशेषज्ञ के रूप में तैयार कर रहे हैं, हम उनके अंदर उद्यमिता भी तैयार करेंगे ताकि वो कल को अपना YouTube चैनल, अपना ब्लॉग सब वो तैयार कर सकें, और हम उसका मॉडल भी उनको बता के देंगे कि किस तरीके से उसको वो लाभदायक बना सकते हैं, उसमें कुछ मुनाफा भी ला सकते हैं और एक खुद को संतुष्टि भी मिल सकती है। तीसरा, कई सरकारी संस्थाएं हैं जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको जनसंपर्क अधिकारी की आवश्यकता है, संचार विशेषज्ञ की आवश्यकता है, ताकि वो जो स्थानीय लोग हैं उनको, वो उनसे संचार कर सकें, तो वहाँ भी उनको जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जनसंपर्क अधिकारियों की आवश्यकता है। बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन उन NGOs को ये नहीं पता कि हम जनता के साथ कैसे जो है बातचीत करें, संचार करें, तो वहाँ ये जो ग्रामीण पत्रकारिता जिन्होंने किया है, एक तरह से नाम हमने ग्रामीण पत्रकारिता लिया है, बेसिकली ये है रूरल कम्युनिकेशन, ग्रामीण संचार का कोर्स है ये, जहाँ हम उनको संचार विशेषज्ञ तैयार करेंगे, और ये देश में एकमात्र कोर्स है, ऐसा कहीं और कोर्स नहीं है। मैंने खंडवा से भी, खंडवा परिसर से इस साल से हम शुरू कर रहे हैं, वो भी देश में एकमात्र है फिल्म पत्रकारिता, क्योंकि खंडवा जो है किशोरदा की जन्मभूमि है, और किशोरदा की जन्मभूमि में फिल्म से जुड़े हुए एक पत्रकारिता का कोर्स, फिल्म पत्रकारिता कहीं नहीं सिखाई जाती है, फिल्म प्रोडक्शन सिखाया जाता है, सिनेमा स्टडीज सिखाई जाती है, लेकिन फिल्म पत्रकारिता कहीं नहीं सिखाई जाती, और मध्य प्रदेश ने बहुत बड़े बड़े फिल्म समीक्षक और पत्रकार तैयार किए हैं। तो अगर फिल्म पत्रकारिता का एक कोर्स खंडवा से हो तो उसकी अपनी एक पहचान, ऑलरेडी मैंने फिल्म जगत के कई लोगों से बात किया, वो सब पूरी तरह समर्थन देने के लिए तैयार है इस पाठ्यक्रम को, तो वहाँ से हम ये कोर्स शुरू करें। क्या है ना, एक कोर्स से एक परिसर का पहचान बनता है, कि अगर आपको डायरी मैनेजमेंट आपको सीखना है तो आप नेशनल डायरी डेवलपमेंट आनंद में जो गुजरात में है, वहीं जाके डायरी डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो जहाँ वो सीख पाएगा, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि भाई ग्रामीण पत्रकारिता, तब तो रीवा जाना होगा, हाँ, ऐसी एक पहचान इस परिसर का बने देश भर में, ये हमारी इच्छा है।